आज अपने सामने खड़ी है वर्टस। वर्टस देख लो भाई, वॉक्सवैगन की अपनी आती है। देखो पोलो के बाद एक वॉक्सवैगन के पास यही प्रोडक्ट है जो अभी आजकल हिट में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वरना को भाई बहुत सेल डाउन कर दी नई वाली वरना को, बहुत कम्पीट कर दिया क्योंकि बजट रेंज में भी आ रही है अपने, और साथ के साथ सारी चीजें भाई फुलफिल कर रही है। एक तो देखो कितनी क्लासी लुक हो गई फ्रंट से, जैसे एक प्रीमियम गाड़ी की होती है ना, जैसे ऑडी ऑडी हो गई, स्कोडा हो गई, जितनी प्रीमियम आती है वॉक्सवैगन का वही है। सामने से अपने डी आर एल मिल जाती है, बाकी लाइट्स में भाई अभी देखो पीसीआर वगैरह लाइट भी लग रखी है भाई, ये हम रिकमेंड करते नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। इसको जला के दिखाएंगे और जितनी कॉस्टिंग है सारी आपको कवर करेंगे वीडियो के अंदर। फ्रंट से हमें मिल जाती है भाई, देखो अपर में एलईडी मिल जाती है, ऊपर वाली हेडलाइट में जो भी होती है कंप्लीट सेटअप, और इसका थ्रो भी भाई नाइट का एक वीडियो या शॉट डाल दूं, हमें चेक कर लेना, अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी जो नीचे आप लोगों को फॉग लैंप दिख रहे होंगे भाई, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं, ये बेस मॉडल है, इसके अंदर नहीं आता, तो ये सारा आफ्टर मार्केट कनेक्शन है। और भाई सिडान होने के बाद भी उसमें अच्छा खासा भाई अपने को ना ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, जितना अपने स्विफ्ट है ना आप लोगों ने देखी होगी उससे भी मतलब सही है, उतना ही दिख रहा है मेरे को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि देखो ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो भाई पूरा अच्छा खासा मिल जाता है बंदा, ऐसा कोई नहीं है भाई। फ्रंट से हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी प्राइस वगैरह भाई मैं वीडियो के बीच में एंड में जब मर्जी बता दूंगा, बाकी साइड से अपनी पूरी प्रोफाइल चेक कर लो। ये देखो से भाई, देखो बेस मॉडल है अपने, स्टील रिम वगैरह आते हैं, ये आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स है, इनकी प्रोफाइल मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो 205/55/816 भाई, ये टायर कंपनी का ही है जो आता है बेस मॉडल में, ये बाकी ये अलॉय व्हील लगवा रखे हैं आफ्टर मार्केट ब्लैक कलर में, अभी थोड़े गंदे हो रहे हैं भाई माइंड मत करना। और इनकी जो कॉस्टिंग है भाई 35,000 के आसपास है, ये देख लो पूरी लुक साइड से भाई, मतलब प्रीमियम तो चीज़ है कुछ भी कहो। तो भाई बैक से रहने वाला है अपना स्पॉयलर, स्पॉयलर की फिटिंग चेक करो पूरी ना, ये देखो साइड से लुक चेक कर लो, और ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाला है, ये आफ्टर मार्केट है भाई स्पॉयलर ना। और जो अपनी टेल लाइट है वो अपनी ऑलवेज ऑन मोड में रहने वाली है। तो भाई पीछे से हमें मिलने वाला वॉक्सवैगन का लोगो, और ये जैसे पोलो में होता था ना दब के खुलता था, इसमें वो नहीं है, इसमें डायरेक्ट वैसे ही खुलेगी। और बाकी यहाँ हमें मिल जाता कैमरा, और ये है वर्टस की बैजिंग, और ये TSI बेस मॉडल जो उसके अंदर इंजन आता है उसकी बैजिंग हो गई। बाकी सेंसर चेक कर सकते हो आप, 1, 2, 3 सेंसर इसके अंदर हमें मिलने वाले बैक से। और ग्राउंड क्लियरेंस पीछे से चेक कर लो भाई, अच्छी खासी ऊँची है, एक तो अलॉय लगवा दी उससे ऊँची हो गई, और पहले भी ऊँची आती है देख लो, मतलब भाई स्विफ्ट से भी ऊँची लग रही है मेरे को, तो अपनी स्विफ्ट है उससे भी ऊँची लग रही है। और इस साइड से भी भाई पूरी प्रोफाइल चेक कर लो, अपने स्प्लिटर वगैरह रखे, इनकी प्राइसिंग अभी मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को जो भी वीडियो में रहेगी। और भाई अपना हिंदू अपने धर्म को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, देख लो साइड में स्प्लिटर चेक कर रहे हो ना, ये फ्रंट में भी लगे होते हैं, जो अपना 3 पीस की किट आती है, जो फ्रंट की 3 पीस की आती है साइड में आती है दोनों साइड, इस साइड भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये लगे हुए अपने स्प्लिटर। तो भाई इनकी जो कॉस्टिंग है और स्पॉयलर के साथ अपडेट कर देता हूँ, ये 9,000 के आसपास लगे हैं, अपना चेक कर लो, ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाले पूरी फिनिश, और स्प्लिटर की फिटिंग चेक कर लो भाई थोड़ा बहुत। भाई देखो स्प्लिटर है ABS क्वालिटी में होते हैं मेरे हिसाब से, ये अब जो आगे के है ना, आगे के इसलिए उड़ गए थे वो हाई स्पीड में उड़ गए 200 की स्पीड के आसपास भाई, ये देख लो, और साइड के अपने अभी तक टिके हुए हैं। और भाई इनसे ना पूरी लुक आती है, चेक करो एक गाड़ी की पूरी प्रोफाइल चेक करो, एक स्पॉयलर लगने से, अलॉय लगने से, और स्प्लिटर, मतलब ये 3 चीज़ें भाई आज की डेट में चल रही है ट्रेंडिंग में ना सबसे ज़्यादा। और लुक चेक करो भाई वर्टस की, और प्राइस मैंने अपडेट कर दिया भाई, 9,000 रुपये के पूरी किट आती है आगे से लेके इसके साथ। और व्हील अपने भाई इन्फिनिटी के रहने वाले हैं, ये चेक कर सकते हो, 16 इंची के अलॉय व्हील्स है, बाकी टायर कंपनी का है 35,000 के आसपास। और कैलिवर जो अपने ब्रेक डिस्क पैड हो गए वो रेड में हो गए भाई, ब्लिंक भी करता है रात में, इसका शॉट डाल दूंगा मैं, और प्राइस भी अपडेट कर दूंगा, 1500 के आसपास लग रहा है ठीक है। इसे सब कुछ कंप्लीट कर दिया, अब चलते हैं भाई अंदर, और क्रीज लाइन चेक करो भाई, इस साइड से बिल्कुल क्लियर दिख रही है क्योंकि इस साइड ये है ना, इससे पता लग रहा है पूरा, ये देखो। अब चलते हैं भाई अंदर, और भाई डोर बड़ी हैवी है, मतलब जैसे मारुति वारुती का चलाते ना उससे हैवी डोर, मतलब 5-स्टार रेटिंग है इसकी भाई पूरी कंप्लीट, और हैवी है भाई, मतलब फील हो गया जैसे गेट खोलो ना, और एक तो क्वालिटी तो हाई बाकी फील हो गया। और साइड से भाई गत्ता देख लो इसका पूरा, ऑन ऑफ का हमें यहाँ मिलने वाला है, बाकी ये एम्बेड लाइट आफ्टर मार्केट है, और इसके अंदर मिरर एडजस्टमेंट मिलती है भाई बेस मॉडल से, और अपने ये पावर विंडो हो गई चारों ठीक है, ये बेस मॉडल से मिलती है, बाकी ये वर्टस की आफ्टर मार्केट लगा रखी होगी भाई वेलकम प्लेट। अब चलते हैं अंदर, फिर आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं पूरा सीन, बंद कर लेते हैं भाई छुपी को भाई, मज़ा आ गया, मतलब मैं पहली बार बैठा हूँ वर्टस ऐसे गाड़ी में, सेडान टाइप में, और मतलब भाई फील है यार भाई चीज़ है। और 12 लाख में यार प्राइस चेक करो ना, 12 लाख में इतनी क्वालिटी की चीज़ दे रही है पूरी गाड़ी। बस एक चीज़ डिसअपॉइंट लगी मेरे को इस गाड़ी में, सिर्फ ये स्टीरियो बहुत छोटा है इसके अंदर ना, पर यार 12 लाख में गाड़ी देखो, और इतनी स्टेबिलिटी है इसमें, 200-220 भाई ऐसी पहुंच जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो भाई यहाँ इसे स्टार्ट कर लेते हैं, इस साइड मैंने गेट का बता दिया आप लोगों को, और फ्रंट में चेक करो भाई, ये अपने स्टेयरिंग रैप रहने वाला है ब्लैक में, और ये भाई कार्बन फाइबर फिनिश में वो लगवा रखे हैं,
ये आफ्टर मार्केट रहने वाले हैं, इनकी प्राइसिंग भाई भाई वीडियो के बीच में चलती रहेगी। और अपना भाई स्टेयरिंग इस तरीके से रहने वाला है, पूरा कंप्लीट वॉक्सवैगन की बैजिंग और एयर बैग रहने वाला है। इससे स्पीडोमीटर देख लो भाई, अपने को एनालॉग मिलने वाला है पूरे कंट्रोल, और ये जहाँ से सेट वेट हो जाती है जो भी चीजें MID जो भी बीच की चेंज हो जाती है इसमें। बाकी ये अपना भाई मॉडल पेट्रोल वाला रहने वाला है। और भाई टॉप स्पीड देखो, विक्टर्स की टॉप स्पीड चेक करो भाई, एक सेकंड रुको भाई, मतलब कंपनी देख रहे हो 12 लाख में टॉप स्पीड चेक करो, 260 की टॉप स्पीड मेंशन करी। और भाई ये भगती है 220-230 तो भग जाती है आराम से। और ये अपना स्पीडोमीटर देख लो पूरे कंप्लीट, MID बीच में रहने वाली है। और इसमें इस साइड रहने वाले अपने हाई बीम वगैरह के, लो जो हाई बीम मारते ना बंदे, ये अपने विंडशील्ड के कंट्रोल रहने वाले हैं इस साइड। और अपना स्पीडोमीटर चेक कर लो और पूरा स्टेयरिंग के लुक चेक करो, और गाड़ी के अंदर एमएड लाइट लग रखी है भाई आफ्टर मार्केट, और इसकी पूरी फिट एंड फिनिश चेक कर सकते हो आप लोग। ये देख लो पूरे डैशबोर्ड से आते हुए कंट्रोल, इधर भी होगी अपनी और इस साइड से, और बाकी जो लाइट वाइट ऑन होती है भाई इससे होती है, अपना देख लो ऑफ हो जाएगी, ये अपना उस पर आ गया एक मोड ऑन, और ये होगा अपनी लाइट पे, ठीक है भाई। और जो हाई बीम वगैरह वो इससे मार सकते हो, और इंडिकेटर वगैरह इससे कंट्रोल होंगे सारे अपने। और अपने भाई बीच में एसी के वेंट मिल जाते हैं हम लोगों को, और ये स्टीरियो रहा, और ये अपने हजार्ड का बटन, ठीक है, उधर भी एसी के वेंट मिल गया, एक एसी वेंट, टोटल चार हो गए। और बैक साइड में नहीं है भाई, ठीक है, बैक साइड देख लो, अपना आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता इसके अंदर। और रही बात भाई जो ये अपने सीट कवर है, ये अपने आफ्टर मार्केट है, ये लेदर में रहने वाले हैं। और भाई इनकी कॉस्टिंग है जो भाई ओनर से मेरे को पता लगी 9000 के आसपास, और अपने जो मैट रहने वाले भाई 3000 के आसपास रहने वाले, ये 90 मैट रहने वाले, पूरी फिट एंड फिनिश चेक कर लो 0-0, इस फ्रंट से भी चेक कर लो भाई पूरी कंप्लीट हो गई। भाई देखो हम मारुति वाले बंदे हैं, हमें इतना पता नहीं इन गाड़ियों का, पर बाकी ना बिल्ड क्वालिटी भाई रियलिटी में बता रहा हूँ, मतलब मैंने गेट ओपन करा ये इस साइड से भाई से मिलने के लिए, तो भाई गेट ओपन करते ना मतलब एकदम से खुला ही नहीं होना, मारुति में तो पूरा खुल जाता भाई, मतलब बिल्ड क्वालिटी तो भाई सॉलिड है, मतलब भाई 12 लाख में यार क्या लोगे, इंजन दे रही है इतना तगड़ा, ठीक है, माइलेज भी ठीक ठाक निकाल देती है अपनी, और बिल्ड क्वालिटी हो गई, और अपने परफॉर्मेंस हो गई, और अपनी सीटिंग कैपेसिटी चेक कर सकते हो बैक से भी, अभी पीछे जाके भी दिखाऊंगा, और बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल सीट वीट आ गई अपनी कंप्लीट, आफ्टर मार्केट रहने वाली है। अपने एसी के कंट्रोल भाई यहाँ रहने वाले मैनुअल, और अपना हीटर और एसी का हो गया मोड। ये बात भाई चाबी लोगों को, आप लोगों को दिखा दूं भाई, इस तरीके से चाबी रहने वाली है, लॉक अनलॉक और बूट वाला, और अपनी चाबी रहेगी, पुश स्टार्ट बटन आता नहीं क्योंकि भाई बेस मॉडल है। क्या क्या लोगे भाई, कंपनी से इतनी सारी चीजें दे रही है, स्पीडोमीटर देख लो भाई इस तरीके से ऑन होता है, और कंप्लीट एम्बेड लाइट की देख लो भाई कनेक्टिंग वाली रहने वाली है। और भाई जो अपना स्टेयरिंग कंट्रोल है अपना चेक कर लो, ये देखो साइड से मैंने नीचे कर दिया, अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों रहने वाला है, देख लो ये देखो कंप्लीट भाई। लो यार 12 लाख में बंद कंपनी को क्या लोगे यार, इतनी बढ़िया डील दे रही है। और अपना ये 6 स्पीड कर लो भाई, 6 के मैनुअल गेयर बॉक्स आने वाला है, अपना रिवर्स हो गया ऊपर, जो ऊपर उठ के बैक लग जाएगा, और अपना हैंड ब्रेक वगैरह ये सारी चीज़ हो गई, एक भाई स्टोरेज स्पेस यहाँ मिल जाता है, और ये प्रैक्टिकल है भाई बिल्कुल, अपना फ़ोन वोन आराम से रख सकते हो, एंटी मैट लगा हुआ है, और ये अपना भाई ये देख लो इधर से ये चीज़ रहने वाली है, अपनी पूरी स्टोरेज स्पेस चेक कर लो, सामान भी रखा हुआ है, और गेटों में भी भाई अच्छा खासा स्पेस है, अपनी बोतल वोटल रख सकते हो, देखो इधर इस साइड से दिख जाएगा क्लियर। अब चलते हैं भाई बैक साइड, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। इससे फ्रंट में हम देख लो हाइट एडजस्टमेंट मिलने वाली है आप लोगों को, फिर ऊपर नीचे कर लो, जिसकी हाइट छोटी है ऊपर कर लेगा भाई। फ्रंट से सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी, और बैक साइड से एक स्पेस चेक करा लेते हैं आप लोगों को, बाकी देखो पूरी लुक हो गई फिट एंड फिनिश भाई, लेदर सीट कवर की अपनी देख लो, और 90 मैट अपने कंप्लीट 0-0 रहने वाले हैं। और एक स्पेस चेक करा दूँ आप लोगों को, पूरी फिट चेक कर लो भाई, और लेग स्पेस की तो भाई सिडान में कोई कमी नहीं है, अपना चेक कर सकते हो, पूरी थाई सपोर्ट भी अच्छा है, अपना लेग सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, और तीन बंदे भाई आ सकते हैं इसमें, ऐसी एस सच कोई दिक्कत नहीं है, और अपने को एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, और तीनों पे आर्मरेस्ट मिलने वाले हैं, देख रहे हो 1-2-3, और अपनी स्पेस दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये चाबी से ओपन हो जाएगा, देखो चाबी दबा के रखोगे अपने आप ओपन हो जाएगा, ये देख लो। और भाई सिडान में बूट स्पेस की कमी तो होती नहीं, अपना चेक कर लो भाई पूरा अंदर तक, अच्छा खासा भाई दो मतलब 3 बूफर की पेटी आ जाएगी मेरे हिसाब से लगाओ तो, आप लोग चेक कर लो, अभी तो सामान रखो भाई कवर वगैरह गाड़ी के जो भी है कंप्लीट। तो ना अपना टेल गेट हो गया, उसके अंदर पारी सारी वायरिंग वगैरह सारी कवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं कोई ओपन कर दी, बेशक से प्राइस वगैरह कम है पर तब भी इतनी प्रीमियम क्वालिटी दे रखी है। और इसके अंदर जो बल्ब है अपने वाइट में रहने वाले हैं, देख लो एक चीज मिस कर देती है, अपना जो ORVM होता है ना, ये आफ्टर मार्केट का है, प्लूजन कंपनी का, इसके अंदर लग रखा है भाई, कैमरा ऑन करके दिखाओ तो इसमें छोटी स्क्रीन आती है, पर ठीक है भाई सफिशियंट है, इतना काम चल जाता है। और अपना ये ऑटो डिम वाला है, जैसे लाइट वाइट पड़ेगी तो साइड हट जाएगा, और अपने को LED लाइट मिल जाती है ऊपर में,
फिर भाई और इस साइड भी एयरबैग मिल जाता है अपने को, देख लो दो एयरबैग मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर पूरे कंप्लीट। फ्रंट से अपना फ्रंट से देख लो इंजन कंसोल जितना भी है, 1000 cc का इंजन जो आता है इसके अंदर TSI। और अपना फ्रंट से भाई डैम्पिंग है कंप्लीट, वैसे भाई इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है डैम्पिंग वैम्पिंग की, अपना पेट्रोल में कोई आवाज़ नहीं आती। और अपना इंजन पूरे चेक कर लो, ये 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है और टॉक और सारी चीज़ें भाई स्क्रीन पे चल रही होंगी आप लोगों के। ये चेक कर लो पूरे इंजन का पूरा वे, और भाई पूरा कवर्ड है ये देख लो, पूछे में पूरा कवर्ड रहने वाला अपना। और नीचे से भी भाई अपने ना वो लग रखे हैं, देखो प्लास्टिक के पार्ट लग रखे हैं, कवर्ड कर रखा है ज़्यादा से ज़्यादा। गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो ओनर से ये तो पूछ लेते हैं कि भाई इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहने वाले हैं, तो भाई अगर ओनर से मिलवाते हैं आप लोगों को तो भाई आप ये बताओ इसके बारे में, पहले तो पॉजिटिव ही बताओ भाई हर चीज के ना, क्या चीज इसके बारे में सबसे बढ़िया लगती है? क्वालिटी है इसकी बस, कि मैंने लेते वक्त बस यही सोचा था कि क्वालिटी होनी चाहिए, आज तक तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। नेगेटिव उतना कुछ है नहीं, बस ये कि रोड पे कभी कभार दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर हो तो उस पर, आज तक एक बार हुआ है मेरा कि साइलेंसर में बस वो खुल गई थी मोल्डिंग से, बाद बाकी तो ऐसे कोई ग्राउंड क्लियरेंस है नहीं। भगाई भी मैंने इसको 200 तक गई है इसको, एक्सप्रेस वे पे भी बिल्कुल ऐसे चिपक के चलती है गाड़ी की, ना बॉडी रोल है ना कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कुछ। ये माइलेज भी इसकी बहुत बढ़िया है, ये नहीं कि ऐसे की इतनी। तो कितना निकाल देती है भाई माइलेज? मैंने इसको जब रात में चला रहा था एक बार ट्रिप पे, 180-190 कॉन्टिन्यू स्पीड थी मेरी, तब मेरी 18 की एवरेज दिखा रही है। मैंने इससे 22 की भी एवरेज निकाली है, और अगर रफ ड्राइव करूँ तो 7 मतलब 180 की स्पीड में 18 की एवरेज, तो भाई बहुत बढ़िया चीज है। और रही बात भाई ग्राउंड क्लियरेंस की, भाई सेडान गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस नीचे ही होता है, उसमें ये दिक्कत तो होती है, ये अपने होंडा सिटी से तो ऊपर है इसकी सेगमेंट भाई, प्रीमियम क्वालिटी है। मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं आज मतलब पहली बार वैसे बैठा हूँ, जैसे हमारे पास मारुति वगैरह है तो उसकी फिट एंड फिनिश हो गई या क्वालिटी हो गई ना प्रोडक्ट की, बेशक भाई हमारे पास डीजल है, पर 180 में 18 की माइलेज भाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारी गाड़ी खुद नहीं निकाल पाती। 18 इसलिए निकली ना क्योंकि मैं रफ चलाता हूँ बहुत, अभी भी मैं बहुत रफ चलाता हूँ इसको। और भाई 22 की एवरेज आराम से इसमें। एक चीज और मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि इसकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी सीन है? स्टेबिलिटी अब ये सोच ले कि भाई की मैं 200 पे ले गया तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, अपने फैमिली के साथ मैं 200 गया हूँ, दोस्तों के साथ नहीं, सारी फैमिली बैठी हुई थी मेरी। तो भाई देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा ना आपको हाई स्पीड जाओ इतना, पर बाकी इसका आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को पता लग गए होंगे जितने जो भी। और वीडियो भाई बता देना अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।